देश में एक और कोयले का भारी संकट बना हुआ है। थर्मल प्लांट्स के पास बिजली उत्पादन के लिए कोयले का स्टॉक उतना ही बचा है जितने में वे कुछ और दिन बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे में इन हालात के बीच जहां एक और सरकार अपने स्तर पर तेजी से समस्या का हल करने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल खास तौर से कांग्रेस का रुख इसे लेकर बेहद आक्रामक बना हुआ है। देश में बढ़ते कोयला संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार के प्रबंधन पर निशाना साधा, तो उधर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को उनकी ये बात नागवार गुजरी। राहुल गांधी के तंज और व्यंग से नाराज कोयला मंत्री ने राहुल गांधी को इस पर सिर्फ आड़े हाथ नहीं लिया बल्कि उन्हें नकली गांधी और नकली ज्योतिषी तक बता दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर तथ्यहीन बातें करने वाले राहुल गांधी को अगर भविष्यवक्ता या ज्योतिषी बनने का शौक है तो वे कांग्रेस का भविष्य क्यों नहीं बता देते। There is some issue, he says, that I had predicted it early, I had written it early. And if he is so good astrologer, let him predict about his party first. Let him try to predict his party future, his leadership about his future, then let him tell. And I already said, in UPA's 10 years, after 10 years old, their supply was 566 million tons. Today we are supplying 818 million tons. That we are supplying today, coal. And since demand has increased, we are already all concerned department to power, coal and Ministry of Railways put together, we are trying to expedite the transportation also. And without understanding the facts, if he goes on talking irrelevant and irrational things and telling that I had predicted it early, I had told it early, then I have no other word to call him fake Gandhi and fake Gandhi, that is a proven fact, and fake astrology. गौरतलब है कि केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी का ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग कसते हुए कहा था कि मोदी सरकार को देश में नफरत का बुलडोजर चलाना छोड़ देना चाहिए, इसकी जगह उन्हें देश में बिजली संयंत्रों को सही ढंग से चलाना चाहिए। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात साझा करते हुए लिखा था कि देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि कोयले और बिजली के संकट से कई राज्यों में हाहाकार सा मचा हुआ है। अगर इसे जल्दी सही नहीं किया गया तो ये छोटे उद्योगों को नष्ट कर सकता है, जबकि रेलवे और अस्पताल आदि पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें आंकड़े न समझने वाला व्यक्ति बता दिया। उन्होंने कहा, सरकार इन हालात से निपटने के लिए जोरदार ढंग से कार्य कर रही है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी को मूर्ख और एक नकली ज्योतिषी भी बता दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।